कहते हैं जिस ग्रंथ ने पूछा था क्या आप व्यापक रूप से सब जगह है, तो उन्होंने कहा मैं व्यापक रूप से भी यानी कहीं भी नहीं रहता हूँ और इन लोगों में भी कहीं नहीं रहता हूँ, मैं तो इन सब से परे हूँ, इसमें मेरी एक बूंद एक सूरत मेरी रहती है। उसी बूंद का सकल पसारा वेदता कहे ब्रह्मय पार, उसी बूंद का ये सारा का सारा ये ब्रह्मांड तीनों लोगों का ये सारा पसारा है। और उसी को लोग क्या कहते हैं अपार, जो बूंद की रचना है उसको आप अपार कहो, और सिंधु है और महासागर अपार वो तो अलग हो गया, उसे तो कोई जानता नहीं। अब वो खुद आकर के सुरतों को अपना भेद बता रहे और मालिक का पता और ठिकाना, और ये बता रहे कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, ना मेरा व्यापक रूप है, मैं तो एक बूंद मेरी वहाँ रहती है, उसका ये सकल सारा का सारा ये पसारा है, मैं इन सबसे अलग बोलूँ। वेदांती आहे ब्रह्म बखाने, सिद्धांती आहे सोत पुकारे, कहते हैं कि वेदांती कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है ब्रह्म है, कोई कहता है प्रकृति है, कोई कहता है माया है, इस तरह से लोग जो है वो उस समय पर वर्णन करते हैं, क्योंकि मेरा वेद तो उस समय पर खुला नहीं गया था, तो किसी ने कुछ ऊपर का बताया भी नहीं कि भाई ऊपर में कुछ है, तो यही लोग यही उपासना करते हैं और इसी को अनुमान से कहते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, वो व्यापक है, उसका नाम नहीं उसका रूप नहीं है, वो मतलब ये क्या रूप है, लेकिन ऐसा नहीं, अगर रूप नहीं होगा तो नाम क्या, रूप है नाम मात्र, जब नाम है रूप है तो स्थान होना चाहिए, जब नाम रूप स्थान है तो उसकी आवाज होनी चाहिए, नहीं तो फिर कैसे निर्माण कैसे होगा यानी रचना कैसे होगी, तो इसलिए आवाज क्यों, क्योंकि रचना करने में बोलेगा, और अगर हम लोग न बोले तो यहाँ कोई भी रचना इन कारखानों की और इन मकानों की सामान की नहीं हो सकती है, आवाज ही से तो ये सब रचना हुई, और आवाज के ऊपर ही तो आप काम करते हो, ये ऐसा काम करो ऐसा काम करो ऐसा काम करो, ये मशीन बनाओ और मशीन चलाओ इसको ऐसा करो, इसलिए शब्द की ही सब जगह, यहाँ वो शब्द गुप्त है जड़ता में है और वहाँ शब्द चेतन होता, तो चेतन रचना अलग है और वो अद्भुत रचना, ये रचना जो है जड़ और चेतन, तो कहते हैं मेरी बूंद एक रहती है, बड़े बड़े वेदांती और योगी इसी को कहकर के अपार और वेद क्या ये कहकर के थक गए, लेकिन मेरा वेद इनमें से किसी ने नहीं जाना, मेरी एक बूंद वहाँ पर रहती है, उसी ने ये सगर यानी सारा का सारा पथारा किया। इसके आगे भेद न पाया सतगुरु बिन उन धोखा, कहते हैं कि किसी को ये भेद इसके आगे का नहीं मिला, और सतगुरु महापुरुषों के संतों के बगैर सब धोखा खा जाएंगे कि उनको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ से आई, जब संतों का हाल ही किसी को मालूम नहीं है, तो असल में बात यह है कि सतपुरुष ने नीचे अपने इच्छा मर्जी मौत जो नीचे की रचना की है वो मतलब यह है कि पर यानी ठेका बना करके स्थानों पर और इन सुरतों को बैठा करके यानी मतलब यह है कि तपस्या कराई, और इन्होंने तप करने के बाद जब प्रसन्न कर लिया सतपुरुष को तो उन्होंने वरदान मांग लिया, उन्होंने कहा भाई तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे ध्यान से तुम्हारी तपस्या से इस भक्ति से हम प्रसन्न हो गए, ठीक है हमने निकाल दिया लेकिन हम आपसे खुश हो गए, अब आप चाहते क्या हो, तो उन्होंने कहा जैसा सतलोक में आपका राग है उसी तरह का आपको राग, ये बात तो मानी हुई है, इस बगैर जीवात्माओं की रचना कभी किसी मंडल पर हो ही नहीं सकती है, अगर यहाँ पर जीवात्मा चर अचर जीव जंतुओं में और मनुष्यों में न रहे थे हम कोई रचना कोई काम हो नहीं सकता, क्यों मनुष्य शरीर रहेगा नहीं, जानवर शरीर रहेंगे नहीं, पंछी शरीर रहेंगे नहीं, कीड़े मकूड़े के रहेंगे नहीं, जब शरीर कोई रहेगा तो काम काज कैसे होगा, फिर कोई रचना ही होगी, सोचते जाओ जो शरीरों में बंधन में जब रहेगी तभी रचना बैठेगी, तो उनको उन्होंने प्रसन्न होकर के
यो मत पूछे, अच्छा हमने तुमको दिया। अब वो प्रसन्न होगा कि रचना करने के लिए सुरतों का भंडार, फिर ये सुरतें जब भेजी जाएंगी तो ऐसे भंडार नहीं भेजा जाएगा कि सीधी चली जाओ, उनके लिए भी कितने युग और कितने कल्प यानी अनगिनत बीत जाएंगे, तब धीरे धीरे उनको